तो नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। तो दोहरीकरण के कारण कुछ ट्रेनें जो रहेगी वह अलग अलग खंड से जो है प्रसारित होने वाली है। इसमें से कुछ पालनपुर वाले सेक्शन से होकर गुजारी जाएगी, कुछ उदयपुर के पास जो नया हमारा सेक्शन बना हुआ है उदयपुर और अहमदाबाद को जो सेक्शन कनेक्ट करता है, जो कि वाया डूंगरपुर हिम्मतनगर वाला होकर जाता है सरवा वाला, तो उस पर भी कुछ ट्रेनें दी गई है। कुछ और ट्रेनें अलग खंड को भी प्रोवाइड करवा दी गई। तो टोटल मिलाकर आखिर कितनी ट्रेनें रद्द हुई है और कितनी ट्रेनें जो है डबलिंग के कारण और कौन कौन से दिन इनका मार्ग परिवर्तन किया जाएगा, सब कुछ जानेंगे वीडियो के साथ में और ऑफिशियल लेटर के भी साथ में। तो चलिए, अगर वीडियो पर अगर नए होना तो अपनी लाइक करके अपना जो है यहाँ पर अटेंडेंस लगा दीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो देखिए, दोहरीकरण के कारण पहले कुछ ट्रेनें रद्द करवाई जा चुकी है। कुछ 18 को भी रद्द थी, कुछ 19 को भी रद्द थी, कुछ 20 को भी रद्द है, कुछ 21 को भी रद्द रहेगी। तो सभी की डिटेल्स हम लोग जानने वाले हैं वीडियो के माध्यम से। कुछ ट्रेनें जो रहेगी वह बीत भी चुकी है, तो उनकी भी इन्फॉर्मेशन थोड़ा जान लेंगे, क्योंकि ऑफिशियल लेटर में लगभग ऑलमोस्ट सभी ट्रेनों की जानकारी आ चुकी है। पहले जो ट्रेन थी गाड़ी संख्या यहाँ पर फ्रेंड्स 12996 अजमेर बांद्रा, जो कि लगभग 19 तारीख को कल के दिन जो अजमेर से प्रस्थान करी थी यह ट्रेन, और अपने परिवर्तित मार्ग अजमेर पालनपुर और अहमदाबाद वडोदरा होकर इसके संचालन को करवाया गया। वहीं जो दूसरी गाड़ी थी 22901 बांद्रा टर्मिनल से उदयपुर रेल सेवा, जो दिनांक 19 तारीख को कल के दिन भाई ना इस रेल सेवा को बांद्रा टर्मिनल से प्रस्थान करना था, और इसको जो है यहाँ से बांद्रा से वाया वडोदरा आया, फिर अहमदाबाद आई ट्रेन सरवा हिम्मतनगर होकर फिर उदयपुर गई। तो आपको जो यह रतलाम वाला सेक्शन था ना, यहाँ से इसको नहीं चलाया गया, या तो थोड़ा सा ये भी आपको जानने के लिए ज़रूरी है। तीसरी गाड़ी जो गाड़ी संख्या लिस्ट में थी वह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, जो कि ओखानाथ द्वारा वाली ट्रेन थी 1957675 वाला, जो कि आज के दिन दोस्तों 20 तारीख को ही इसका मार्ग परिवर्तन कर दिया गया है। अब ये ट्रेन जो आज का दिन रहेगी ना, अपने परिवर्तित मार्ग वाया अहमदाबाद सरवा हिम्मतनगर उदयपुर होकर उदयपुर मावली होकर इसके संचालन को फिलहाल करवाया जाना है, क्योंकि मावली होकर ये ट्रेन जो है नाथद्वारा के लिए चली जाएगी। तो कुल मिला के अभी तक देखिए कि अपने खंड पर दो ट्रेनें मिल चुकी है। वहीं जो तीसरी ट्रेन है गाड़ी संख्या 09723 जयपुर बांद्रा टर्मिनल, ये जो जयपुर बांद्रा वाली ट्रेन है दिनांक 20 तारीख मतलब आज ही के दिन जयपुर से प्रस्थान करेगी, और प्रस्थान करने के बाद अपने जो रेल सेवा रहेगी अपने परिवर्तित मार्ग वाया अजमेर पालनपुर अहमदाबाद और वडोदरा होकर इसका संचालन जो है फिलहाल करवाया जाना है। वो इस लिस्ट में जो अगला नंबर आता है गाड़ी संख्या 19647 उदयपुर मैसूर हमसफर वाली ट्रेन है भाई। यह लगभग 18 तारीख को ही ना जब यह इसको संचालन करवाया गया था, तो उसको चेंज रूट से लेके गया जाया गया था। इसका रूट था उदयपुर हिम्मतनगर सरवा अहमदाबाद वडोदरा वाला। उसके अलावा जो गाड़ी संख्या है 19711 दोस्तों, इस ट्रेन को जयपुर भोपाल जो रेल सेवा थी इसको वाया जयपुर सवाई माधोपुर कोटा नागदा 18 मार्च और 19 मार्च को लेकर जाया गया। वहीं गाड़ी संख्या 19732 भोपाल जयपुर वाली जो ट्रेन थी, जिसको दोस्तों कल के दिन 19 तारीख और आज के दिन 20 तारीख को भोपाल से प्रस्थान करेगी, और अपने चेंज रूट मतलब नागदा कोटा सवाई माधोपुर उदयपुर होकर इसका संचालन जो है करवाया जाएगा, माफ़ कीजिए सवाई माधोपुर जयपुर होकर। वहीं गाड़ी संख्या जो अगली आती है दिल्ली सराय रोहिल्ला वाली, वहाँ फिर इंदौर के मध्य में चलाई जाती है 19338, जो कि 18 तारीख को इसको परिवर्तित मार्ग जयपुर सवाई माधोपुर कोटा नागदा होकर संचालित करवाया जा चुका है। वो जो 9वें नंबर की ट्रेन थी 12720 हैदराबाद जयपुर, इसको भी दोस्तों 18 तारीख को ही परिवर्तित मार्ग नागदा कोटा सवाई माधोपुर जयपुर होकर संचालित करवाया गया। वहीं गाड़ी संख्या 12719 जयपुर हैदराबाद, जो कि 20 मार्च मतलब आज के दिन दोस्तों जयपुर से प्रस्थान करेगी, और यह रेल सेवा जो रहेगी अपने चेंज रूट जयपुर सवाई माधोपुर कोटा नागदा होकर इसका भी संचालन करवा लिया गया है। वहीं गाड़ी संख्या 17019 हिसार हैदराबाद रेल सेवा, जो कि 19 तारीख को ही कल के दिन ही हिसार से प्रस्थान करी यह ट्रेन, और अपने चेंज मार्ग जयपुर सवाई माधोपुर कोटा नागदा होकर संचालन करवाया जा चुका है। तो कुल मिला के भाई एक ही चीज़ है कि यहाँ पर रेलवे जो है ना आपदा में इस रूट का बहुत इस्तेमाल करता है। आपको पता होगा कि हाल ही में रतलाम सेक्शन पर काफ़ी भारी बारिश की वजह से कुछ जगह के पटरियों के नीचे की मिट्टी खसक गई थी, जिसकी बात ना बहुत सारी ट्रेनें भाई इस सेक्शन से गुजारी गई। हालांकि अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि हिम्मतनगर में क्या ट्रेनें रुक रही है, तो यह सब बिल्कुल नहीं है। हिम्मतनगर में स्किप करके ट्रेनें जो है निकल जाएगी और नॉन स्टॉप 300 किलोमीटर चलेगी। हो सकता है कहीं थोड़े बहुत ट्रेनों के स्टॉपेज जो है रास्ते में दिया जाए, तो कुछ इस हिसाब से इसकी जानकारी निकल कर आई है।
इसका जो इन्फॉर्मेशन और ऑफिशियल लेटर रहेगा मैं आपको कम्युनिटी विल में पोस्ट कर दूंगा। फिलहाल वीडियो कैसे लगी आप लोग कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।